अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज आज हमारा जो है यहाँ से निकलने का है, पिंडी से हमने स्टे किया है। ये अब हम कुमराट की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जहाँ जा जल्दी जा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली बच्चों की वजह से और बारिश की वजह से हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। और ये होटल का मैं अब आपको टूर कराने जाऊँगा। तो होटल बहुत अच्छा है, नया है, मेन रोड पर और बहुत शानदार है। और ये बेसिकली पिंडी के अंदर फैज़ाबाद पे है और बड़े ही इकोनॉमिकल प्राइजेज हैं। लाइक बोलेंगे आपसे 10,000, 9,000, 7,000, 8,000, लेकिन बात ये है कि आपने इनसे निगोशिएट करना है कि हम कितने प्राइस में आपकी जो भी एक। लेकिन मैंने आपको बता दूं कि अगर आप होटल का टूर करेंगे तो इट्स रेटिंग लाइक द 3 to 4 stars होटल। और जो लोग बेचारे आते हैं वो 2,500-3,000 में घुस जाते हैं कि हाँ चले जी यहाँ पर गुजारा कर लेते हैं। वो सम टाइम ऐसा होता है कि इनकी जेब ज़्यादा दी देती है और एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, पानी का इशू, टावल नहीं है साफ़ सुथरे, कोई चीज़ ब्रांड न्यू मिलती नहीं है, वैसे सेकेंड न्यू होती है। लेकिन ये यहाँ पर पूरा नया सामान था, नया होटल था, मेन रोड पर था। और होटल का नाम मैंने आप देख लीजिएगा उसके ऊपर, और आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि होटल कैसा है। और ये है असल में रीगल रेजिडेंसी होटल इसका नाम, और ये बिल्कुल मेन रोड की तरफ ही है। तो गाइज़ जो बेचारे आते हैं कराची से, पिशावर से, जिस सुबह से आते हैं बेचारे, सिंध से, पंजाब से, जहाँ से भी आते हैं, वो आके परेशान होते हैं, होटल ढूंढ रहे होते हैं, स्पेशली फैमिली के लिए, जो कि फैमिली बहुत परेशान होती है कि कहाँ ठहरें कि जहाँ पर हर चीज़ प्रॉपर हमें मिले, पानी का भी इशू ना हो और लाइट्स का भी इशू ना हो, बिस्तर वगैरह साफ़ हों, बेड वगैरह और चादरें भी साफ़ सुथरी हों। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और नाश्ते का भी ऐसा है कि नाश्ता ये बाहर से आता है तो आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, वॉट एवर। और नीचे ही जब आप उतरेंगे तो आपको तमाम फ्रूट्स, मेडिकल्स का भी अच्छा है वहाँ पर सिस्टम, के एक मेडिकल स्टोर से गली में जाके। और खाने बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, यहाँ के फ्रूट्स वाले भी हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले भी हैं, इफ़ यू वॉन्ट दी छाता लाइक छतरी तो वो भी अवेलेबल है। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप लोग टेंशन फ्री होकर यहाँ आ सकते हैं और यू कैन एंजॉय विथ योर फैमिली। तो मुझे दें इजाज़त, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, लव यू गाइज, अल्लाह हाफिज़। वॉच द फुल वीडियो, थैंक यू गाइज। ये रीगल रेजिडेंसी है होटल, आप देखते हैं माशाल्लाह एकदम ब्रांड न्यू है। और ये जो है पिंडी के इस तरफ है, ये मेरी गाड़ी पार्क हुई हुई है सेंटर में। और ये बेसिकली रिमॉडलिंग ऑफ मरी रोड प्लान्ड एंड इंप्लीमेंट बाय आरडीए 2000 रोड पर है। अब आपको अंदर लेके चलते हैं और उसका रिव्यू कराते हैं। ये इनका फर्स्ट एंट्रेंस है, ये यहाँ के मैनेजर हैं। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक है। क्या नाम है आपका? जावेद अब्बासी साहब हैं, आप इनसे आके मिल सकते हैं यहाँ पे। जी जी। और यहाँ का ये मैं आपको दिखाता हूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट, वेटिंग एरिया, दिस इज़ वेरी नाइस बाय द वे, इट्स ऑलमोस्ट 4 stars क्लास होटल अल्हम्दुलिल्लाह। और सर्विस एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। ये इनका रिसेप्शन है और ये मुबारक साहब बैठे हुए हैं। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? That is very nice by the way in this area. So these are the prayer areas. You can pray over here. Namaz ki jagah. Outstanding. ये room देखें कितने ज़बरदस्त हैं। The kitchen area is also here. ये इनकी lift है, तो lift की तरफ चलते हैं। वाह, ये देखें आप, मैंने कहा था ना आपसे कि ये 5 star होटल के तर्ज पे बना हुआ है, बहुत अच्छा शानदार है माशाल्लाह से। नाउ आई हैव टू गो फर्स्ट फ्लोर। तो गाइस ये पिंडी की तरफ है और बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह से, आप मुझे भी देख सकते हैं। तो आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे रूम है हमारा। ये आए रूम की तरफ, कितना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, एक्चुअली नया है दैट्स वाई। और ये देखें आप, यहाँ से व्यू है बाहर का, ये देखें। और ये रूम्स बने हुए,
अब मैं आपको रूम का टूर करवाता हूँ। तो गाइज ये इंटर होने के बाद जो है यहाँ पे आप देखें कि हीटर का सिस्टम भी है जो कि 4-5 स्टार में होता है, और इन्होंने 2 चेयर्स रखी हुई हैं और एक टेबल रखी हुई है छोटी, और इसके बाद ये एक बेड है सिंगल, ये एक डबल बेड है, वो एक सिंगल बेड है, ये फैन है और यहाँ किबले का निशान भी है, और एक एक्स्ट्रा मैट्रेस अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ये मनाहिल है और ये सोनी है, एक ये टीवी भी आपको मिलेगा यहाँ पर जिसमें सब चैनल्स आते हैं सारे, और उसके बाद आपको ये एक ड्रेसिंग टेबल टाइप की है ये भी आपको मिलेगी, और देखें न्यू ब्रांड न्यू एसीज़ हैं, और ये वॉशरूम भी आपको टूर कराते हैं। ये साइड टेबल एक इधर है और एक इधर है। तो गाइज़ ये अभी जो है आपको वॉशरूम को दिखाते हैं, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का वॉशरूम है इनका, इसमें एक कमोड है, एक WC है, और इसमें भी देखें आप हीटर लगा हुआ सर्दियों के लिए। ये आपको हैंगर्स भी मिलेंगे और बहुत साफ़ सुथरा है, और शावर भी बिल्कुल अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं, हैंड शावर भी लगा हुआ है, ये भी है सब, उनका कैप्स भी है, और ये मैं हूँ तो ये देखें। तो ये था